सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी नीट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। एक अप्रूवल मिला है। अब ये अप्रूवल किसको लेकर मिला है और क्यों मिला है और इससे क्या अपकमिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड उससे पहले यार, एक मैंने व्लॉग अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिस पर मैंने आसपास का मेरा जो व्यू है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है, वो मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की थी। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज कमेंट, सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, एक इतनी सी रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूंगा। बात करते हैं आज की हमारी इंफॉर्मेशन पर। तो आज की हमारी इंफॉर्मेशन की बात करें तो ओडिशा जो स्टेट है, उसने जितने भी अपने स्कूल्स हैं, जितने भी ओडिशा के स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल से पास आउट जितने भी कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उनके लिए एक कोटा रखेगा, यानी कि उनके लिए एक कोटा रिजर्व किया गया है। और इस कोटा रिजर्वेशन को जो है वो अप्रूवल भी दे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ओडिशा, सबसे पहले तो ये जो न्यूज़ है वो 29 दिसंबर 2020 यानी कि कल की न्यूज़ है, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफिशियल न्यूज़ है, कोई भी मतलब फेक न्यूज़ यहाँ पर ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी उनके स्कूल पास आउट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने भी ओडिशा स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं, उनसे पास आउट जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक कोटा रिजर्व किया जाएगा कि वो एक सीट्स रिजर्व कर दी जाएगी, यानी कि 10% 15%, अभी डिसाइड नहीं किया गया कितना परसेंट, अगर 10% मान लीजिए डिसाइड होता है तो 100 में से 10 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। इन 10 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ यही कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं और कोई भी कैंडिडेट इन 10 सीटों पर एडमिशन नहीं ले सकता। डिटेल में और बताता हूँ तो मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्कूल और मास एजुकेशन मिनिस्टर जो एसआर दास है, उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित जितने भी स्कूल से पास होने वाले छात्र हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में कोटा अगले शैक्षणिक वर्ष से शुरू किया जाएगा। अगले शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2021-22 के सेशन से ये शुरू किया जाएगा। अपकमिंग जो सेशन आने वाला है, उस सेशन से ये जो है वो कोटा शुरू कर दिया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, यानी कि ये कोटा तो ऑलरेडी बहुत सारे हमारे कोटाज अवेलेबल हैं, बट इस कोटा से क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी रिजर्वेशन है, उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी रूरल एरियाज हैं, उनमें छात्रों का मनोबल बढ़ाना है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होने वाले कोचिंग और डिजिटल पाठ्यक्रमों से वंचित है, यही वजह है कि ग्रामीण स्कूलों के छात्र अपने शहरी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में विफल हो रहे हैं, ऐसा मंत्रियों ने कहा है। देखिए, मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट हम तो डिजिटल एजुकेशन से जुड़ चुके हैं, हमें पता है डिजिटल एजुकेशन क्या होती है। बट अगर मेरे पास आसपास देखूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन के मामले में तो वो बहुत हाई है, देखिए एजुकेशन के मामले में बहुत हाई है, लेकिन उनको बाहर की दुनिया के बारे में, बाहर के जो शहरी जो कोचिंग सेंटर वगैरह, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होती है, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन होगी या फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन होगी, इसके बारे में उनको नहीं पता है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाने और उनको आगे ले जाने के लिए ये जो आरक्षण है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा डैश के अनुसार राज्य द्वारा संचालित स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद कोटा प्राप्त करने के वो पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने आरक्षण लागू करने के तौर तरीकों के लिए 3 महीने के भीतर एक उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त सुनने की समिति के गठन को मंजूरी किया है। एक जो कमेटी है वो गठित की गई है, एक कमेटी डिसाइड की गई है, ये कमेटी डिसीजन लेगी। इस कमेटी के जो हेड है वो यहाँ के न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि ये किस प्रकार से जो ये कोटा है, ये जो रिजर्वेशन है वो लागू किया जाएगा और कितना रिजर्वेशन, 10%, 15%, 20%, 50% कितना रिजर्वेशन जो है वो रखा जाएगा, और इसके बारे में ये जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट 3 महीनों के भीतर देगी। 3 महीनों के बाद आपको प्रॉपर डिटेल पता चल जाएगी कि ये रिजर्वेशन इस प्रकार से काम कर सकता है, इस प्रकार से रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इस प्रकार से इतना रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। पूरी पूरी डिटेल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ये जो कमेटी है वो प्रोवाइड करवाएगी। और अभी जो नीट 2021 के फॉर्म आने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं देना होगा। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको इसका रिजर्वेशन के जो डिटेल्स है वो वगैरह सबमिट करनी होगी, और उसी टाइम इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। तो यार, मैंने एक पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है और कोशिश की है पूरा एक ईजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी।
फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट्स में ही मैं वो डाउट जो है वो आपका क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। बाकी अदर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।